आपकी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी का अटैक, कहा दूसरे चरण के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे। इंडी अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल खोल कर दिए। पीएम मोदी बोले, इंडिया अलायंस वाले जब एनडीए के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सके तो राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपनाया। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा वार, कहा जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो क्या ये सरकार बना सकेंगे। फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा नया भारत सिर्फ राम मंदिर नहीं बनाता, आतंकियों का राम नाम सत्य भी करता है। हाथरस रैली में सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पहले देश बांटा और अब आपकी संपत्ति बांटने की साजिश। असम के बरपेटा में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, बीजेपी पर जमकर बरसे, कहा देश लूटकर अमीरों को दे रहे हैं मोदी और शाह। अमेठी रायबरेली के सवाल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा थोड़े दिन रुकिए तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम अफवाह फैला रहे, खड़गे बोले हमारे घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए सब कुछ। महाराष्ट्र के लातूर में प्रियंका गांधी ने की रैली, बीजेपी राज में महंगाई से कोई राहत नहीं। गुजरात के वलसाड में भी प्रियंका गांधी ने की रैली, कहा पूरे देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा, 10 साल में मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, काम कुछ नहीं किया। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने किया रोड शो, कहा जानबूझकर भर्ती परीक्षा के पेपर कराए लीक। कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी को बताया तानाशाह पार्टी, कहा वो किसी को नहीं छोड़े। चुनाव प्रचार में उतरी अखिलेश यादव की बेटी अदिति, मेनपुरी में गांव गांव जाकर मां डिंपल यादव के लिए मांग रही है वोट। 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी, नॉमिनेशन से पहले कल अयोध्या में रामलला के करेंगी दर्शन। राहुल प्रियंका के अयोध्या दौरे को लेकर भड़की बीजेपी, उत्तराखंड सीएम बोले चुनाव के समय रंग बदल रहे न्योते के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। एमपी के गुना में सीएम मोहन यादव ने किया प्रचार, कहा भगवान राम की महिमा हो गई है, अब मथुरा के लोग बुला रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद बोले विपक्ष के लिए चुनाव में कुछ नहीं बचा, अमेठी रायबरेली में एनडीए ही जीतेगा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का एनडी गठबंधन पर निशाना, कहा महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस पर भी बरसे वारिस पठान, कहा इन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए पर हिस्सेदारी नहीं देंगे। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी वारिस पठान के सुर में सुर मिलाया, नसीम खान की बजाय वर्षा गायकवाड को टिकट दिया। नसीम खान की नाराजगी पर बोले उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, वो एक जिम्मेदार नेता, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एमवीए को नुकसान होगा। नसीम खान से मिली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, नाराजगी दूर करने की कोशिश की। वर्षा गायकवाड़ से मिलने के बाद भी अपने स्टैंड पर कायम नसीम खान, कहा किसी के लिए नहीं करूंगा प्रचार। खड़गे के मुस्लिम उम्मीदवार वाले बयान पर भी बोले नसीम खान, क्या सारे समझौते मुस्लिम समाज ही करेगा। मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी उम्मीदवार होंगे उज्ज्वल निकम, पूनम महाजन का टिकट कटा। प्रकाश आम्बेडकर के फैसले से महाविकास अघाड़ी को झटका, मुंबई की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी वीपीएम। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को किया चैलेंज, वो उत्तर मुंबई से लड़े चुनाव, अमेठी बनारस में आजमा सकते हैं किस्मत। 30 अप्रैल को नामांकन भरेंगे पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस और महायुति के कई नेता रहेंगे मौजूद, उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं पीयूष गोयल। चुनाव प्रचार में जुटे राहुल नार्वेकर, कहा दक्षिण मुंबई से टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, महायुति का उम्मीदवार ही जीतेगा। सीएम ममता बनर्जी के मोदी सरकार पर हमले जारी, कहा दिल्ली से बीजेपी सरकार हटाएंगे तभी देश की रक्षा होगी। संदेश खाली में हुई छापेमारी पर भी भड़की ममता बनर्जी, कहा एनआईए सीबीआई एनएसजी सब आगे आ गए जैसे युद्ध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फिर लगी चोट, हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लगी चोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना, कहा दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन में बीजेपी 400 पार वाली फिल्म ही नहीं चली। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार से सवाल, पूछा दो दो डिप्टी सीएम बिहार के लिए दोनों ने क्या काम किया। तेजस्वी के 400 पार की फिल्म फ्लॉप होने वाले बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार, कहा बिहार के लोग अब इनसे छुटकारा चाहते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू मुलायम परिवार को बताया लुटेरा, कहा ईवीएम लूटकर चुनाव जीतते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा जोरदार तमाचा। चुनाव प्रचार में उत्तरी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए किया पहला रोड शो। सुनीता केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, कहा केजरीवाल के काम से बीजेपी बेचैन, इसलिए साजिश के तहत जेल में डाला। सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने पर बीजेपी का तंज, कहा ये लालू के बाद राबड़ी देवी का सीएम बनना जैसा। हैदराबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी की माधवी लता से है ओवैसी का मुकाबला। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बवाल, हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता बोली चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई।
कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर फिर से होगा मतदान। 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका। भूमि घोटाला मामले में जमानत देने से क्या इंकार। संदेश खाली में हथियार मिलने पर गरमाई सियासत। टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। सीबीआई के छापेमारी की टाइमिंग पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का शाहजहां शेख पर आरोप। बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को लाता था, पूरे देश में भेजता था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, टीएमसी को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता निमाई दास के भाई घर पर विस्फोट। टीएमसी बोली, घर में रखे बम से हुआ धमाका। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची सीबीआई टीम। जमीन हड़पने मामले में शिकायतकर्ताओं से की बातचीत। नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटी वायुसेना। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को लेकर अलर्ट। सरकार सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। हालात का लिया जायजा।